अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि एक मर्द कितने तरीकों से हमबिस्तरी कर सकता है, लेकिन उसके साथ ही साथ हम आपको दो ऐसे तरीके बताएंगे जिनसे हमबिस्तरी करने से बहुत ज़्यादा लुत्फ आता है। यूँ तो काफ़ी सारे तरीके हैं, जैसे मर्द औरत के ऊपर लेट जाए, औरत मर्द के ऊपर आ जाए, मर्द औरत को घोड़ी बना ले या उसके साथ खड़ा होकर कर ले। लेकिन बेस्ट तरीका क्या है? अगर मर्द औरत को सीधा लिटा ले और उसके ऊपर लेट जाए और फिर अपनी शर्मगाह उसकी शर्मगाह में डाले, तो इससे औरत और मर्द दोनों को बहुत ज्यादा मजा आता है। और जब मर्द का वजन औरत के ऊपर पड़ता है तो इससे भी औरत को बहुत ज्यादा मजा आता है। ऐसा करने से औरत की शर्मगाह मर्द की शर्मगाह के बिल्कुल सामने आ जाती है, हजू डालने में भी आसानी होती है और दोनों को लुत्फ भी बहुत आता है। और ऐसा करने से एक फायदा और भी होता है कि जब मर्द की मनी निकलती है तो वो सीधा औरत की बच्चादानी पर जाकर गिरती है और इस तरह हमल भी इजीली ठहर जाता है। दूसरा तरीका यह है कि आप अपनी बीवी की टांगों को उठाकर अपने कंधों पर रखें और फिर उसकी शर्मगाह में अपना आजू डालें। इस तरह से भी दोनों मियां बीवी को बहुत लुत्फ आता है और औरत डिस्चार्ज भी जल्दी हो जाती है। लेकिन कभी भी पीछे से करने की कोशिश मत करें, क्योंकि ये तरीका हमारे इस्लाम में भी जायज नहीं है। आगे से डालें, जैसे मर्जी डालें, लेकिन पीछे से करना गलत है। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।